हेलो एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आप दोनों की आज की एनर्जीज़ लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आप दोनों की आज की एनर्जीज़ कैसे रहने वाली हैं। तो शुरू करते हैं गाइज, लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। हमेशा की तरह मेरे व्यूवर्स की एनर्जी होगी मेरे राइट साइड में और आपके पर्सन की एनर्जी होगी मेरे लेफ्ट साइड में। देखते हैं क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। तो ये है गाइस आपके पर्सन की एनर्जी और ये है आपकी एनर्जी। पहला ही कार्ड द लेडी एंड द लव, यहाँ लवर्स की एनर्जी है। विद द जस्टिस कार्ड वी हैव मजिशियन विद टेन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड टेन ऑफ चैलिसेस। तो बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं कलेक्टिवली जो बहुत पॉजिटिव हैं, हैप्पी एनर्जी में हैं, कंप्लीट हैं, एक दूसरे के साथ हैं, या तो फिर आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों का यूनियन होने वाला है, अंदर से ऐसी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। कुछ लोग आज के दिन में काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं अपने परिवार के साथ, या तो कोई ऐसा इवेंट, कोई ऐसा सेलिब्रेशन ऐसा पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिसमें आप काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। अगर आप मैरिड कपल हैं, यहाँ बहुत सारे मैरिड कपल्स का यूनियन या तो रिसेंटली हुआ है या होने वाला है, या फिर आप दोनों के बीच में अगर कोई मन मुटाव चल रहा था तो वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो ये वाइब्रेशन है। कलेक्टिव एनर्जी वी हैव नाइन ऑफ सोर्ड्स। कुछ लोगों की एनर्जी में आज का दिन बहुत आइसोलेटेड, सफरिंग वाला हो सकता है। ये न्यू मून का ही इफेक्ट है 100%, बिकॉज ये जो एनर्जी है ये ज़्यादातर न्यू मून या फुल मून के आसपास होती ही है। कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि इनको धोखा दिया गया है, इनके पीठ पर खंजर घोंपा गया है, इनको बहुत प्यार करने के बावजूद न्याय नहीं मिला है। इस तरह की वाइब्स आपके साथ हो सकती हैं, आप ऐसी वाइब से घिर सकते हैं। तो ये एनर्जी यहाँ पर है। तो कुछ लोग नेगेटिव बहुत ज़्यादा सोचेंगे, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि अगर आप नेगेटिव सोच रहे हैं तो इससे बेटर है, और अगर आप वेट कर रहे हैं, देखिए अगर आप नेगेटिव सोच कर मूव ऑन कर लेते हैं तो वो अलग चीज़ है, वो अच्छा है एक्चुअली। बट अगर आप नेगेटिव भी सोच रहे हैं, मूव ऑन भी नहीं कर रहे हैं, स्टक भी हैं, तो वो आपको पीड़ा देगा, टेंशन देगा, स्ट्रेस देगा। तो अगर आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं और आप सफरिंग में हैं तो आप पॉजिटिव सोचिए, कम से कम कुछ पॉजिटिव क्रिएट कीजिए, ठीक है। नेगेटिव सोच के और रुके रहने से तो वो चीज़ें और नेगेटिविटीज़ को अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। देन वी हैव मजिशियन। तो कुछ लोग आज के दिन में स्पेल ट्राई कर सकते हैं या कोई टेक्निक आप ट्राई करेंगे, टेलीपैथी हो सकता है आप ट्राई करें, आप इंटेंशन सेट करके कोई मैसेज सेंड करें अपने पर्सन को, ये चीज़ें आज के दिन दिख रही हैं। कुछ लोगों की कोई विशेस पूरी होते हुए भी नज़र आ रही हैं, बिकॉज वी हैव यूनियन वाइब्रेशन। तो आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा फील हो सकता है कि आपका यूनियन या तो होने वाला है, और अगर ऑलरेडी यूनाइटेड हैं तो आज के दिन आप कहीं घूमने फिरने, एक साथ कहीं इंजॉय करने जा सकते हो, या बहुत ही पॉजिटिव वाइब्रेशंस में हो। कुछ लोगों के लाइफ में आज के दिन ये भी नज़र आ रहा है कि आपको कोई कार्मिक ट्रिगर मिल सकता है। आपकी फैमिली में किसी पर्सन से, किसी रिलेटिव से आज आपका कोई ऐसी बहस हो सकती है जिससे कि आपको थोड़ा मूड आपका ख़राब हो जाए, बट ये टेम्प्रोरी एनर्जी है तो आप इसको बहुत सीरियसली मत लेना, ठीक है। तो ये मेरे व्यूवर्स की एनर्जी रहेगी आज के दिन में। आपके पर्सन की तरफ पहला कार्ड है सेलिब्रेशन का, सेकेंड वी हैव थ्री ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ चैलिसिस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। तो बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनके पर्सन आज के दिन में कम्युनिकेटिव हो सकते हैं, कम्युनिकेशन, बात करना, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव हो सकते हैं आज के दिन। इनके मन में ये चीज़ें आ सकती हैं कि आपसे बात करना है, आपको कोई मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, क्लैरिटी दे सकते हैं। अगेन वी हैव गॉट एस ऑफ पेंटिकल्स, तो वी हैव डबल एसेस, तो यहाँ न्यू बिगनिंग की वाइब्रेशन है। आप में से कई लोगों के पर्सन मैसेज कर सकते हैं कि मुझे जॉब लग गई है, या कोई गुड न्यूज़ दे सकते हैं, इनको किसी तरह का नेम, फेम, रिकॉग्निशन मिला है, या इनको लाइफ में एक डायरेक्शन मिल चुका है जिससे कि अब ये दूर की सोच रहे हैं और हैप्पीली आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। कमिटमेंट की वाइब्रेशन है।
देन वी हैव थ्री ऑफ चैलिसेस। तो काफ़ी लोगों के पर्सन आज के दिन में काफ़ी हैप्पी मूड में हैं, खुश हैं, रोमांटिक एनर्जी है, बहुत दूर की सोच रहे हैं, स्टेबिलिटी को लेकर सोच रहे हैं। आपकी तरफ मैसेजेस कर सकते हैं, नाइट ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। तो हो सकता है कि आप में से कई लोगों के पार्टनर मैसेज करें, मिलने को बुलाएं या वीडियो कॉल करें, इस तरह की वाइब्रेशंस हो सकती हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स विद पेज ऑफ सोर्ड्स, यहाँ कुछ लोगों के पर्सन अपनी फैमिली से आज के दिन में कुछ डिस्कस कर सकते हैं, आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर कुछ क्लैरिटी दे सकते हैं। इनके घर में कोई फीमेल है जो कि अग्री नहीं करेंगी, थोड़ा ड्रामा क्रिएट हो सकता है, बट ये अपनी तरफ से कोई एफर्ट आज के दिन डालेंगे, इस तरह की वाइब्रेशन है। तो ओवरऑल एनर्जी आप दोनों की बहुत अच्छी है। कुछ जो सिचुएशन नेगेटिव है वो न्यू मून का इफ़ेक्ट हो सकता है, तो उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना है, टेम्प्रोरी एनर्जी हो सकती है। सो ये थी गाइज आज की एनर्जी, इसके बाद मिलते हैं बड़ी रीडिंग में। टिल देन टेक केयर गाइज, बाय बाय।